ये होता है कि वो आपके हाथ में नहीं होता, आपके कंट्रोल में नहीं होता। तो जब लास्ट ईयर मैंने इंटरव्यू दिया था तो मेरे मेंस में डिसेंट स्कोर थे, 823 थे और जीएस में 428 थे 2019 में, बट इंटरव्यू में मुझे 146 ही थे। सो उसके कारण रैंक जो है वो नीचे आया, बट वो मैं चाहता हूँ अच्छा ही हुआ क्योंकि उसमें एक भी सीट बिहार कैडेट में नहीं था। अगर लास्ट ईयर रैंक वन भी आते तो बिहार कैडेट नहीं मिलता, इस बार एक सीट है। सो इंटरव्यू का मैं कहना चाहता हूँ कि कॉन्फिडेंस जो है, अगर आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम उस इंटरव्यू बोर्ड को फेस कर लेते हैं और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको आप कॉन्फिडेंटली बोल देंगे कि सर मुझे नहीं पता, आपको 172-180 आ जाएगा, मतलब उतना ही करने से आपको 170 आ जाता है। बाकी जो है वो इंटरव्यू बोर्ड पर डिपेंड करता है कि आपने कैसे बोला, कितनी कन्विक्शन के साथ बोला। सो इस बार मेरा फोकस ये रहा कि मैं जब इंटरव्यू बोर्ड में जाऊं तो कॉन्फिडेंटली मैं उनको फेस करूं। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, हर चीज़ हर स्टेज का जो है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर मुझे उतना टाइम मिल नहीं पाया था और उतने पीयर ग्रुप भी नहीं थे। इस बार मैं क्या किया कि मिरर के सामने थोड़ा प्रैक्टिस किया, जो आपको क्वेश्चन पता है जो आपके बैकग्राउंड से, आप बिलीव नहीं करेंगे अगर आप 5 दिन भी मिरर के सामने बोलते हैं तो आपका उस जो क्वेश्चन है जो आएगा ही आएगा कि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज, ये सब ये आपका बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा और आप एक्सप्रेशन देख पाएंगे। फिर मैं फ्रेंड सर्कल में 2-3 लोग थे उनको मैं बोलता था कि अच्छा तुम क्वेश्चन पूछो, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आंसरिंग करता था और कुछ मॉक्स दिए थे। 2019 में मैंने 10-12 जगह मॉक्स दिए थे और कहीं पे भी उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा था। 2020 में मैंने एक दो जगह ही मॉक दिया था, बाकी मैं मिरर के सामने और अपने फ्रेंड सर्कल में जो है वो प्रैक्टिस कर लेता था। जहाँ तक क्वेश्चंस की बात है, मेरे बैकग्राउंड से क्वेश्चंस रहा। पहला क्वेश्चन सर का ये था कि अगर तुम गांव से आते हो तो तुम उस एरिया को जानते हो, अगर कठिया का डीएम बना दिया जाए तो तुम अगले 2 साल क्या करो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस थे। सिविल इंजीनियरिंग से क्वेश्चंस थे। फिर बोले कि गांव में तुम कौन कौन से स्कीम्स देखते हो जो अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ है लास्ट 5 साल में, या कहाँ कहाँ फेलियर है, कहाँ कहाँ लिमिटेशन है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिर मेरा जो बैकग्राउंड है, जैसे मैं इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस भारतीय रक्षा लेखा सेवा में हूँ, सो उससे रिलेटेड डिफेंस से रिलेटेड जो भी होता है उसको मैं प्रिपेयर किया था, और डिफेंस प्रोडक्शन ऑफसेट क्लॉज ये सारे से क्वेश्चन आए थे। फिर करंट अफेयर से अफगानिस्तान इशू काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, सो अफगानिस्तान इशू से क्वेश्चन आया। फिर मेरा जो बैकग्राउंड है आईटी बॉम्बे, और फिर मेरा इंटर्नशिप था अमेरिका में, 2 महीने का इंटर्नशिप था, तो उस पर क्वेश्चन थे कि कंपैरिजन करो कि यूएस के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और इंडिया के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेज देखते हो। सो मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे या तो आपके बैकग्राउंड से या तो करंट अफेयर से होंगे, बट इसमें आपको ध्यान देना है कि जो भी क्वेश्चंस आपके बैकग्राउंड से होंगे तो दे एक्सपेक्ट यू टू नो, कि आपको पता होना चाहिए। और जो करंट अफेयर्स का है तो यू कैन ऑलवेज से कि सर मुझे अभी नहीं पता, या कोई फैक्चुअल क्वेश्चन है तो आप हमेशा कह सकते हैं कि सर मुझे नहीं पता, उसमें आप वो आपको जज नहीं करेंगे। ऑलरेडी जो है 2 जगह जाना है, मैंने बात भी कर लिया था अभी इनके अपने, जहाँ उन्होंने स्कूलिंग की थी प्राइमरी कदम कुमार के पास है, और फिर वो जाना है CIMD चंद गुप्ता। तो जो प्रश्न वगैरह है मुझे 15 मिनट का टाइम लिया, 15 मिनट में आप लोगों के पास जो समय है, जिससे मीडिया को भी समय देना है, मीडिया टीम से भी आ गए, बाकी मीडिया के बंधु आ गए, जितने मीडिया वाले हैं सब लोग यही बुला लिए हैं, कॉल आप देख रहे हैं कि हर सेकेंड कॉल आ रहा है। तो आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में आप जब IAS बने तो इसी तरह से कॉल, इसी तरह से आपका सम्मान, स्पेशली माता पिता का जो है सम्मान वो बढ़े, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 2 साल की आपकी अच्छी खासी मेहनत करनी होगी, तब जाके आप IAS बनते हैं। और मुश्किल नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है, बहुत टफ एग्जाम है, और टफ एग्जाम के लिए अपने आप को साइलेंट रखना, अपने आप को गंभीर रखना, अपने आप को तैयारी के दरमियान डाइवर्ट नहीं होना, बहुत सारी थिंग्स जो है फैमिली पर्सनल बहुत सारे ऐसे थिंग्स आएंगे बीच में फिर आपको डिस्टर्ब करने के लिए, और आप समस्याओं से जूझने के लिए, यानी कि कोई भी चीज अगर आपके सामने मुश्किल आती है तो यह समझना है कि आपके आपको चेक करने आया है, यानी कि आपकी मजबूती करने आया है, कि आपको कमजोर करने आया है, तो आप समझिए कि प्रॉब्लम आ रहा है तो अच्छे दिन आने वाले हैं, तो उसके हिसाब से अपनी तैयारी को जो है सही डायरेक्शन में आप ले जा सकते हैं।
बहुत सारे प्रश्न जो है और लंबा सेशन जो है नहीं चला पाएंगे, लेकिन दो तीन क्वेश्चन जो है आप लोग जनरली ये हो रहा है, क्वेश्चन कल ही पूछ रहे थे, हालांकि ये प्रासंगिक नहीं है कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट कम क्यों हो रहा है। ये सभी का बहुत क्वेश्चन था कि मुझे जो लगता है मैं जवाब दे दूं, हिंदी मीडियम में जो मटेरियल्स है बहुत, जिसका सिलेक्शन जो है करना बहुत मुश्किल होता है, इंग्लिश